गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। 5 अप्रैल को हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स का, भाइयों का या फ्रेंड्स के किसी फैमिली मेम्बर का बर्थडे था। तो 5 तारीख को आशुदा का बर्थडे था, 5 तारीख को ही प्रीतम भाई का भी बर्थडे था और 5 तारीख को ही विक्कीदा के जो पापा हैं उनका भी बर्थडे था। तो उनका कॉल आया कि तुम लोग यहाँ आ जाओ, जिस थोड़ा चिल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। फिलहाल हम आए सियोना रिजॉर्ट में वापस से। पहले भी हम यहाँ पे आए थे जब हमें जिम कॉर्बेट जाना था। जिम कॉर्बेट वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो आई बटन यहाँ कहीं है, डाल दूँगा, देख लीजिए। कल रात को जो मेरी हालत ख़राब हुई है, हुआ क्या, हम लोग यहाँ पे आए। सो विक्कीदा ने बोला कि चल ऊपर चलते हैं, टीटी रूम में टीटी खेलेंगे। ऐसे डोके ऊपर चले, ऊपर चले गए। सो ऊपर एसी चालू था, हम लोग ने पहले स्विमिंग की देन उसके बाद गए थे। तो एसी चालू था तो वो मेरे हाथ में पता नहीं अचानक क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया। तो रात को 3 बजे तक मैं सो नहीं पाया, इतना दर्द हो रहा था। प्रिया दी और विक्कीदा देख रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा दर्द था। दिन प्रिया दी ने थोड़ा हाथ दबाया, बिकॉज सियोना रिजॉर्ट आपको पता ही है एकदम एंड पे है। यहाँ पर मेडिकल एड के लिए अगर जाना है तो रात को कोई मेडिकल नहीं मिल पाएगा आपको। तो वैसे ही प्रिया दी ने थोड़ा दबाया, थोड़ी नींद आई, दिन सो गया। ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, एकदम काले आ रहा है लाइट के उसके पीछे बैकग्राउंड की वजह से। इनसे मिलो बॉस को, बॉस को सही है यार। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, सबने ब्रेकफास्ट कर लिया और आकांक्षा जी बच के भाग रही है। बॉस को लेट्स गो टू पूल, चल पूल पे तो आ गए हैं। लेकिन पूल सबसे पहले थोड़ा साफ करना पड़ेगा। इस साइड से तो पूरा साफ है, बस थोड़ा ये एरिया में। निखिल कैसा लग रहा है? मजे लेने हैं तो थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, शाबाश। पूल की सफाई हो गई है और एक और हमारे फ्रेंड हैं, उनसे मिलो। ये आदि भाई हैं, ये आकांक्षा दी से बड़े भाई हैं और विक्की भाई इनके बड़े भाई हैं। तो अभी विक्कीदा आकांक्षा दीदी और प्रिया दीदी को थोड़ी स्विमिंग सिखा रहे हैं। एंड आई कैन फील कि मेरा जो शोल्डर पेन है वो हल्का हल्का चालू हो गया। थोड़ी देर में बाहर जाएंगे, इसका भी कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। पूल में काफी एंजॉय हो गया, अब चलते हैं शार लेते हैं, दिन कुछ खाते हैं। यार रेडी हो गए, शार ले लिया, अब जा रहे हैं, थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं। स्विमिंग पूल, पूल के बाद जो ऐसी थकान जो भी होती है वो एकदम मिट जाती है यार, एकदम मजा आ गया आज पूल में जाके। तो हमारी चाय आ गई है और साथ में प्रिया दी हैं। प्रिया दी अपना ऑफिस का काम कर रही हैं, वेकेशन के साथ ऑफिस का काम। चीयर्स। तो अभी हो गया लंच टाइम, और लंच टाइम चल रहा है। आदि भाई और आंटी बाहर गए थे मंदिर, वापस आ गए। कैसा बना? awesome. तो अभी लंच करके आ गए हैं और थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ी देर में उठेंगे। बहुत नींद आ रही है अभी पूल में जाने के बाद, बहुत नींद आ रही है। शाम का टाइम है और सब चाय और पकौड़े खा रहे हैं। सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है चाय और पकौड़े का, वो भी शाम के टाइम पे। और पूल में है तो अभी मैं और विक्कीदा जा रहे हैं थोड़ा सामान लेने के लिए। अब यहाँ से बाहर जाने में लगेगा 10 से 15 मिनट लगेंगे।
बिकॉज मैंने पहले बताया था पथरीला रास्ता है, जाने में टाइम लगता है, जाते हैं सामान लेने के लिए फिर आएंगे थोड़ी देर में वापस। सो आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और पसंद जो भी आया कमेंट कर दो, क्योंकि टाइम भी थोड़ा हो गया है तो फटाफट मुझे एडिट भी करना है। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय श्री राम, जय हिंद।